Related in our book, there are two concepts are there, two theories are there. कह सकते हैं मॉनसून जो इंडिया में आते हैं इसके पीछे रीजन क्या है. बुक में दो चीजें मार्क की गई हैं. इट हैज मार्क्ड इन हियर. थैंक यू. इंडियन मॉनसून्स. दिस इज एज अ ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ अ मॉनसून्स व्हिच हैज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेशर बेल्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. देयर आर द सेवन प्रेशर बेल्ट्स आर देयर. विंड्स आर मूविंग इन अ सच प्रेशर बेल्ट्स बिकॉज जनरली द विंड्स आर मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर हाई एटमोस्फेरिक प्रेशर टुवर्ड्स अ लो एटमोस्फेरिक प्रेशर. ठीक है ना. एक और एस्पेक्ट है मॉनसून्स का एलनीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन. एलनीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन. क्लियर. इज दैट क्लियर. अब मैं समझाऊंगा सब समझाऊंगा. इंटरप्ट कोई नहीं करेगा. ये बुक में कहां है जगह बता दी है. ढूंढते रहना. क्लियर. इन बिटवीन कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. अगर किसी की कोई क्वेरी है दे कैन आस्क. नो प्रॉब्लम. बीच में ये नहीं कहना मुझे ये मिल नहीं रहा बुक के अंदर. कहां है बता दिया वहां ढूंढ लेना. चलें सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मॉनसून्स. ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मॉनसून्स. वर्ल्ड हैज डिवाइडेड इनटू द सेवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स. फर्स्ट 0 degree. दिस इज इक्वेटर इज अ लैटिट्यूड. प्रेशर बेल्ट्स. सेवन प्रेशर बेल्ट्स आर प्रेजेंट इन अ वर्ल्ड. दिस इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. Why the low? Because the temperature remains high in this zone. When winds are heated up, it rises in an upward direction. Due to which has a low pressure developed. Equatorial low pressure belt कहा जाता है इसको. Clear? Equatorial low pressure belt 0 degree. 0 to 10 degree north and southward ये shift होती रहती है. As per the thermal variations, when the northern hemisphere has tilted in front of the sun. At that time, the northern hemisphere, इस time क्या होगा? Equatorial low pressure belt 10 degree north तक shift हो जाती है. ठीक है ना? इसकी shifting को कहा जाता है ITCZ, intertropical convergence zone. Intertropical convergence zone. ITCZ, intertropical convergence zone, which is a dynamic nature. Static नहीं है, change होता रहता है. क्योंकि अर्थ इट हैज टिल्टेड एट 66.5 degree इन वन साइड. जब आप ग्लोब को देखते हो ग्लोब वर्टिकल नहीं होता वो थोड़ा सा झुका हुआ है. ठीक है ना. इसी फॉर्म में ग्लोब रोटेट भी हो रहा है रिवॉल्व भी हो रहा है. अर्थ रोटेट भी हो रही है रिवॉल्व भी हो रही है. व्हेन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड इन फ्रंट ऑफ द सन अंडर सच सर्कमस्टेंसेस द मोर हीट विल रिसीविंग ओवर अ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ITCZ नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. जब सदर्न हेमिस्फीयर टिल्ट होगा अर्थ के सामने सॉरी सन के सामने उस टाइम क्या होगा. Southern hemisphere में more heat होगी. ITCZ southward shift हो जाएगा. ठीक है ना. Means equatorial low pressure belt shift हो जाती है northward या southward. Clear है. Next belt 30 degree north 23.5 degree is a tropical line. Clear. 30 degree north and 30 degree south subtropical high pressure belt. Subtropical high pressure belt. Both the hemispheres. Subtropical high pressure belt. Next, 60 degree north and 60 degree south. 60 degree south. हमारा relation इससे मॉनसून इसके बीच में आते हैं. बेल्ट्स बताओ नहीं चाहिए आपको. Subpolar low pressure belt 60 degree north and south. Subpolar low pressure belt. Subpolar low pressure belt. Subpolar low pressure belt. Afterwards, 90 degree north and 90 degree south. Polar high pressure in a north, polar high pressure belt in a south. Total 7 are there. Clear? 7 atmospheric belts. अगर MCQ में पूछा जाता है आपको. Understood है? तो बाकी चीजें अवॉइड करनी बस इसके ऊपर ध्यान देना. ट्रॉपिकल एरिया तो 30 डिग्री नॉर्थ टू साउथ है. मॉनसून इनके बीच में आते हैं. बेचारा ऐसा कौन सी कैसा रेनफॉल.
30 degree north and south is a subtropical high pressure belt. Subtropical high pressure belt. Yahan tak kisi ka koi doubt? Koi question? Koi question? Nahi hai. हाँ जी, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। हाई प्रेशर क्यों होगा? कोल्ड वेदर कंडीशन, जहां हवा ठंडी होती है वो हैवी होती है, हैवी एयर लाइज नियरर सरफेस। जहां हवा की एयर की प्रेजेंस ज्यादा होगी वहां हाई प्रेशर होता है, जहां कम होगी वहां लो प्रेशर डेवलप होता है। 0 degree इक्वेटोरियल, ये ट्रॉपिकल के अंदर आता है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, टेम्परेचर हाई रहता है। क्यों रहता है? वर्टिकल सनरेज, इक्विनॉक्स। साल में 2 टाइम ऐसे होते जब सनरेज वर्टिकल होती है इक्वेटर के ऊपर, इस कारण यहाँ टेम्परेचर हाई रहता है और प्रेशर लो रहेगा। क्लियर? अगर अर्थ रोटेट ना करे उस सिचुएशन में विंड्स की डायरेक्शन वर्टिकल होगी, पूरी अर्थ सीधी बनेगी, सीधी बनेगी। ठीक है ना? अगर अर्थ रोटेट ना करे, बट अर्थ हैज रोटेट अराउंड इट्स डैश, सिमरन, वेरी गुड, एक्सिस, अराउंड इट्स एक्सिस। एक्सिस इज इमेजिनरी लाइन विच जॉइंस द नॉर्थ टू द साउथ, उसके अराउंड ही वो घूम रही है। इन डायरेक्शन जरथ, लक्ष्य जरथ, लक्ष्य जरथ। हाँ, अर्थ रोटेट्स इन विच डायरेक्शन? वेस्ट टू ईस्ट। सिट डाउन। एंड हाउ मच टाइम टेकन बाय द अर्थ, जसलीन कौर? 5 marks, आई थिंक 5 marks वर्सेस, वेरी गुड, यस। रोटेशन 24, अप्रोक्सीमेटली 24 hours। सिट डाउन। सो ड्यू टू एज अ रोटेशन ऑफ द अर्थ anti-clockwise, winds are diverted in both the hemispheres. Due to the rotation of the earth, the force has generated on earth, the exerted on earth surface is known as a Coriolis force. C-O-R-I-O-L-I-S, Coriolis force. Force exerted due to the rotation of the earth, which leads diversion of winds. Diversion of winds. Force exerted on Earth's surface due to rotation of Earth is known as Coriolis force. C-O-R-I-O-L-I-S, Coriolis force. It leads to diversion of winds. Winds divert ho jati hain. Jo ab vertical winds thi, wo divert hongi. Left hand side in a southern hemisphere. Winds which are blowing in a southern hemisphere, they will turn as a left hand side. Left hand side, if the Reza is standing on a tropic of Capricorn, she is looking towards the equator, uska left side ye hoga, to left side southern hemisphere mein shift ho jati hai. Agar Reza northern hemisphere mein khadi ho, uska face downward ho, equatorward ho, uske right hand side winds divert ho jayenge. In a northern hemisphere winds are diverts in a right hand side, in southern hemisphere as a left hand side. That process of a diversion is known as a Ferrel's law. FERRELS, Ferrel's law, diversion of winds. कमल और कुछ कह रहे थे आप? West to east. हाँ जी, इक्वेटर पे उसकी स्पीड ज्यादा होती है, इस कारण वो डाइवर्ट हो जाती है सर। एनी अदर? रिद्धिका, Ferrel's law, FERRELS. सबके डाउट सुने जाएंगे। टर्नवाइज, Ferrel's law. Ferrel's law means winds are diverted in both the hemispheres, left hand side in southern hemisphere, right hand side in northern hemisphere, due to Coriolis forces known as Ferrel's law. Yes, your turn. Sir, दोबारा कहो। विंड पे ना, इसका नहीं पड़ेगा। यस देवेन, बोलिए। गुप्ता जी, साउथ,
इसी कारण ये डाइवर्ट हो रही हैं, नहीं होती तो वर्टिकल ब्लो करती, विंड जनरली मूव करती हाई टू लो प्रेशर एरिया, यही पहले कहा, यहां पर हाई प्रेशर है कंपैरेटिवली इक्वेटर, विंड्स की डायरेक्शन यहां है, जो नेक्स्ट विंड नेक्स्ट बेल्ट थी यहां 60 डिग्री, वहां क्या होगा, विंड्स की डायरेक्शन ये होगी, सॉरी हाँ ठीक है ठीक है, हाई टू द लो प्रेशर एरियाज, ठीक है, और पोलर एरिया से ऐसे होगी विंड्स की डायरेक्शन, पूरे वर्ल्ड की अगर बात हो, पर हमारा रिलेशन बस ट्रॉपिकल एरिया से बाहर नहीं जाना, यस एनी क्वेश्चंस, हाँ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 30 डिग्री नॉर्थ टुवर्ड्स द इक्वेटर, टुवर्ड्स द इक्वेटर, इक्वेटर तक आती हैं, ठीक है, एनीबडी एल्स, लक्ष जैरथ कहना है कुछ, क्या पूछ रहे हो सक्षम से, साहिल से क्या पूछ रहे हो, सो व्हेन नॉर्थ ईस्टर्ली सॉरी साउथ ईस्टर्ली दे क्रॉस इक्वेटर दे टर्न्स राइट हैंड साइड, दे टर्न्स राइट हैंड साइड, इट्स अगेन एज ड्यू टू कोरिओलिस फोर्स, वो राइट साइड टर्न कर दे जैसे इक्वेटर क्रॉस करते, इन्हीं को साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स कहते हैं, ना इक्वेटर की वजह से आता है, इक्वेटर क्रॉस करते ये विंड्स डाइवर्ट हो जाती है राइट हैंड साइड, ठीक है ना, इसी के ऑपोजिट नॉर्थ ईस्टर्ली व्हेन दे क्रॉस द इक्वेटर दे टर्न्स आर लेफ्ट हैंड साइड इन सदर्न हेमिस्फीयर, उसी कोरिओलिस फोर्स रोटेशन के कारण हो रहा है, इन्हीं को साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स कह दिया जाता है, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, जो नीचे से ऊपर जा रही हैं, साउथ वेस्ट, कैन यू गिव मी रोल नंबर दिलजीत सिंह, एनी रोल नंबर फ्रॉम क्लास, कार्डिनल पॉइंट्स, कार्डिनल पॉइंट्स आर फैमिलियर विद देम, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू एक्सप्रेशन, डोंट वायलेट हर फंडामेंटल राइट, नहीं आता, देन गो टू योर सीट, 14 प्लस 5, who's a 19, then come, cardinal points, ये cardinal points हैं, very good, रुको, eight directions, I need now as a eight directions, yes, suggest me a roll number, she will suggest me a roll number, sit down, 1 plus 9, so this is as a southwest, southeasterlies turns right hand side becomes as a southwesterlies, these are southwest monsoon winds, confuse nahi hona, isko southwest kaha jata hai, due to the triangular structure of India, triangular structure of India, monsoons are bifurcated into the two branches. India का जो triangular landmass है, उस कारण वो divide हो जाती है दो branches में. एक branch है Arabian Sea branch, दूसरी है Bay of Bengal branch. Arabian Sea branch, Bay of Bengal branch. सक्षम जी कुछ कहना चाहते हैं? सक्षम जी stand up, stand up. You will answer. So when the southwest monsoon winds, sit down, they are reaching in India, they are bifurcated into two branches. One branch has a Bay of Bengal branch, another branch has a Arabian Sea branch. Punjab is somewhere else. Yahin kahin Punjab hai. India ke north mein. Reza, look at here. Sir, repeat the question. Look at here. So, under such circumstances, Punjab will receive the rain through the which branch of a monsoons? Now this is a question. मैंने आपको condition बता दी, क्या condition है, किस कारण ये divide हो रही है, two branches are there, which branch has caused as a rain in a Punjab? You are living in a Punjab. Wait. अच्छा कौन सी इसलिए मैंने कहा ध्यान इधर रहो नीचे मत देखो Arabian Sea branch, Reza जी इधर Arabian Sea and Bay of Bengal.
which branch of a monsoons it will leave as a rainfall in a Punjab? Reza is there, only one. One Reza is there. South? Yes, repeating. Southwest. Aapne southwest ka? Mera question kya tha? Repeated question. Repeated question. हाँ, और आपका आंसर क्या था? आप मेरे क्वेश्चन में कहीं साउथ वेस्ट वर्ड था, फिर आपने आंसर क्यों साउथ वेस्ट यूज किया? आपने यूज क्यों किया? इसीलिए कहा ध्यान इधर दो, सिट डाउन। हाँ, इधर से रेणुका, साउथ ईस्ट, बे ऑफ बंगाल, रीजन, वेट, पंजाब की तरफ जाएंगी। रमन जी ऐसा नहीं होने चाहिए, दीज विंड्स हेयर, वेट, हेयर इज अ गुजरात, राजस्थान, देन द पंजाब, बट दीज विंड्स दे विल फर्स्ट गो टुवर्ड्स अ नॉर्थ ईस्ट, देन मूव टुवर्ड्स अ पंजाब। वेट, यस रमन जी, विच ब्रांच ऑफ अ मॉनसून इट विल लीड एज अ रेन इन अ पार्ट्स ऑफ अ पंजाब? हाँ, अरावलीस उसके पैरेलल हैं, टर्न वाइज, सिट डाउन, वेरी गुड, बोथ ऑफ यू करेक्ट। ऐसे ऐसे डर जाते, ऐसे ऐसे, वन मोर, वेरी गुड। नाउ रीजन When, हाँ जी आप भी बोलो, मैं एक्सेप्ट करता हूं इससे रेन हो रही है, मैं कह रहा हूं यहां डिस्टेंस कम है इन विंड्स को पहुंचने के लिए, गुजरात, राजस्थान, देन पंजाब, वो अरावली के पैरेलल हैं बच्चे, वो अरावली के पैरेलल हैं, फिर पंजाब में तो इजीली पहुंच जाएंगी, फिर वो पंजाब में रेन नहीं करती हैं, अरावली साथ समवेयर एल्स, यहां कहीं अरावलीस हैं, अरावली माउंटेन्स। When southwest monsoon winds are blowing, these are blow parallel to the Aravallis. Aravallis Rajasthan mein hai, Punjab mein nahi hai. Jo wo Punjab pahunche, these are not cause the rainfall because Bay of Bengal. Reason kya hai? Wo puch raha hu main. Aap sahi hain. Punjab receives rain to the Bay of Bengal branch. Wo sahi hai baat, because of the Himalayas existing, Himalayas. Why? Why do we call the Arabian Sea branch neither cause the rainfall in a Punjab? Yes. Thar desert, moisture gaining winds, they becomes as a dry dipanshi, they becomes as a dry due to the high temperature prevails in a deserts decrease, it evaporates the moisture content of a Arabian Sea branch of a monsoons, that's why they are not cause rain in a parts of a Punjab, rain only occur due to as a these winds, because Himalayas located at their north, Purvanchal hills at their east, these winds strike in a Himalayas, turns in a left hand side and go towards a Punjab, which causes a rainfall during as advancing monsoon season. Turn wise. Huh? Monsoon winds. Southeasterlies, when they cross the equator, they turns the right hand side. They becomes as southwest monsoon winds because they are originated from the southern hemisphere. After crossing the equator, they turns the right hand side west to eastward blow karti hain. Isliye isko westerlies kehte hain, southwest monsoon winds. Theek hai? Okay sir. Haan ji, Jasleen, reason. Jab ye Arabian Sea branch Thar desert cross karti hain, temperature high rehta hai Thar desert mein. Theek hai? Jo moisture gaining winds, two marks, sit properly. Galat to nahi gaye? किसी और के भी बोलने हैं, चलें। सो मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाता है, अगर विंड्स के अंदर मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी नहीं होगी, क्लाउड्स नहीं होंगे, वाटर वेपर्स नहीं होंगे, हाउ कैन दे विल कॉज द रेन, एक ये रीजन माना जाता है, ठीक है ना। एक और, एक क्वेश्चन और है, पहले रोल नंबर, यस दलजीत, रोल नंबर 10+1, सिट डाउन, 11 रोल नंबर, नो नो दे रहे नहीं,
जयति ने कहा वेस्टर्न घाट्स, कल मैं सुनूंगा ये डाउट। जयति क्लियर?